आज हम बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं पिक्चर में, मैंने स्प्राउट्स लिए हैं, चने के स्प्राउट्स मैंने बनाए हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं। तो इसी की खास रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप सूजी और इसमें हम डालेंगे आधा कप रागी का आटा। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी। अब यहाँ डालेंगे 1 कप छाछ। तो इन दोनों चीज़ों को हम छाछ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगा क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं रागी का आटा, छाछ और चने जो हमने स्प्राउट किए हैं उनका मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। और रेसिपी बहुत ही जल्दी बनेगी, इसमें समय नहीं लगेगा। अब 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के छोड़ देंगे क्योंकि सूजी है, थोड़ा सा ये छाछ या पानी हम इसमें डालते हैं तो वो उसको सोखती है। अब चने मैंने आधा कप लिए हैं अंकुरित चने, इसमें टमाटर और प्याज डाल रही हूँ, साथ में कड़ी पत्ते और नाप मैं आपको दे ही रही हूँ साथ में, तो आप देख सकते हैं किस क्वांटिटी में सारी चीज़ें ले रही हूँ। अब इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम ये जो सूजी और रागी का आटे का हमने बैटर तैयार किया है उसमें ऐड कर देंगे। अब आप देखिए थोड़ा ये थिक हो चुका है क्योंकि छाछ डाली थी हमने, सूजी एब्जॉर्व करती है, उस हिसाब से बैटर थोड़ा थिक हो गया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया है चने का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और सबसे ख़ास बात है ये रेसिपी हम जो बना रहे हैं एक तो बहुत ही हेल्दी है, प्रोटीन से भरी हुई हेल्दी रेसिपी बनेगी, और तेल हम इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल 1 चम्मच से भी कम। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अब अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे, तो बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं वही इसमें जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। तो यहाँ मैं 1 चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में जाएगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ में यहाँ डालेंगे जीरा, तो 1 टीस्पून में जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में स्वाद अनुसार नमक। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून तिल, सफ़ेद तिल जो आते हैं वो इसको करारा बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारी मेज़रमेंट मैं आपको वीडियो में दे ही रही हूँ, साथ में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं किस क्वांटिटी में ले रही हूँ। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा नाश्ते का बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी बन गया है। अब मैं यहाँ मैंने लिया है आपे का पैन और इसको गैस पे रख दिया है। हल्का सा ऑयल ब्रश कर देंगे, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारा डाल दिया है। हम कम तेल का ही इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से डाल के इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है। और अच्छे से पक जाने के बाद हम इसको पलटाएंगे। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। इस तरह से ढक्कन लगा के हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी जो ऊपर का साइड है इसमें भी हम हल्का हल्का ऐसे तेल का ब्रश लगा देंगे, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। आप यहाँ चाहें तो बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हल्के बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको पलट देना है। जैसे हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, देखिए
मैंने सिर्फ 5 ही मिनट इसको रखा है। 5 मिनट के बाद मैं इसको पलटा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से ये नीचे से कुक हो गए हैं। अब बस हमें इनको दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाना है। बहुत ज़्यादा समय इनमें नहीं लगता है। आप चाहें तो इसको टिफ़िन के लिए, बच्चों के टिफ़िन में आप इसको डाल सकते हैं। सबको मैंने इस तरह से पलट लिया है। फिर से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको अगली साइड से, नीचे की साइड से भी कुक करेंगे और उसके बाद ही तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद नीचे की तरफ से भी हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक चुके हैं और फिलहाल गर्म हैं। देखिए तो दूसरी साइड से हमें बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इनका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो ये कलर एकदम परफेक्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए तो बस बच्चों के टिफ़िन में आप ये रेसिपी डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, जिसे हम बिल्कुल कम तेल में बना रहे हैं और बहुत ही हेल्दी होगा और आसानी से भी बन जाता है। तो ये रेसिपी हमारी तैयार है। अब इसी बैटर में से मैं आपको एक और रेसिपी दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है और बड़ा तवा है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इस तवे को भी हम इस तरह से ऑयल ब्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं कर रहे हैं। अब चाहें तो ये चीज़ आप घी या बटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑयल लगा दिया, सिर्फ एक हल्का सा ब्रश घुमाया है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। अब एक चम्मच से मैं इस तरह से जो बैटर हमने तैयार किया है उसको इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से और ऐसे ही यहाँ मैं दूसरा चम्मच डाल दूंगी। बस और ऐसे ही हम डाल देंगे साइड में तीसरा। इससे काम हमारा फटाफट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। तो ये तीनों मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से ढक्कन लगा दूंगी। तीन से 4 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से ढक्कन को हटा देंगे। अभी जो ऊपर वाला साइड है इसमें भी मैं हल्का हल्का सा तेल लगा दूंगी। तो जैसे हमने नीचे लगाया था तेल का ब्रश, उस तरह से हमें इस पर भी लगा देना है। अब इसकी साइड को आराम से ये निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच पैनकेक हमारे तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हमें इनको नीचे की साइड से भी अच्छे से पका लेना है। तो मैं, अगर आप चाहें तो ढक्कन लगाएं, अदरवाइज ये ऐसे भी कुक हो जाएंगे। मैं फिर से ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर ये नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं ढक्कन लगा दिया है और 5 मिनट के बाद ही बन के तैयार हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ ये बन के तैयार हो गया है। इसको हम दूसरी साइड से भी देख लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी, बढ़िया और साथ में हेल्दी। हमने बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो हेल्दी ना है। यहाँ हमने रागी का आटा यूज़ किया है, काले चने यूज़ किए हैं, सूजी यूज़ की है और बिना तेल, सिर्फ 2 बूंद तेल से आप इस तरह का नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा दूसरा वाला नाश्ता। तो एक ही बैटर से आप इस तरह से नाश्ते बना सकते हैं। तो हमारे दोनों ही नाश्ते बन के तैयार है। तो इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या केचप के साथ या दही के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है।